इस्लाम दिन और दुनिया को लेके चलो। दिन में हम रसूल के रसूल में चलते हैं, हर फर्ज हम अदा करते हैं। दुनिया में मैनी मोर थिंग्स अल्लाह ताला ने दिया है, जस्ट लाइक अ लग्जरियस थिंग व्हाट एवर वी आर गेटिंग इन दिस वॉल। ओके, कैन यू प्लीज टेल मी, कैन यू प्लीज स्पेसिफाई द थिंग्स विच वी कैन फॉलो, विच वी हैव टू डू। बेन, अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम में दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना चाहिए। तो हमको दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। ये लग्जरियस चीज़ दुनिया की क्या है, कैन यू नेम सम, कुछ चीज़ों के आप वजात कर सके। बाकी मजाहब जितने अक्सर वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को केटर करते, इस्लाम केटर्स टू बोथ बॉडी एंड सोल, जिस्म को भी और आत्मा को भी। इस्लाम में दीन और दुनिया अलग नहीं है, दुनिया इज पार्ट ऑफ दीन। आप अच्छे दीनदार बन ही नहीं सकते जब तक आप अच्छी दुनियादारी नहीं करें। यू आस्किंग व्हाट इज द लग्जरी ऑफ द वर्ल्ड, मैनी। बाकी रिलीजन में आपको अगर दीनदार बनना है तो दुनिया छोड़ दो, मोनास्टिसिज्म, आप दुनियादारी छोड़ दो, ना शादी करो ना पैसे कमाओ और हिमालय पे जाओ। इस्लाम में शादी करना फर्ज है, लग्जरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरे रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में, कि उनने मर्द और औरत के बीच में प्यार डाला, सो दैट यू मे ड्वेल इन देम इन ट्रैंक्विलिटी, एक दूसरों में प्यार डाला ताकि आप उनसे अच्छा सलूक और अच्छे तरीके से रह सको एंड ट्रैंक्विलिटी, अमन पा सको। इस्लाम में नहीं है कि भाई शादी मत करो तो अल्लाह के करीब है, शादी करेंगे तो अल्लाह के करीब है, शादी नहीं करेंगे तो नहीं। ये एक लग्जरी है, अल्हम्दुलिल्लाह, तिजारत करो लेकिन सही तरीके से करो। तो इस्लाम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन की बात बताए उसमें दुनियादारी भी थी। अगर हम देखते हैं कई जगह अल्लाह के रसूल की हदीस आती है, हमें दिखाती है एक शख्स जो सिर्फ दिन रात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह के रसूल कहते आप रोजी रोटी भी कमाओ, पूरा टाइम नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह के करीब नहीं आएंगे। देर शुड बी अ स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन द टू। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनकुम, डू नॉट कमिट एक्सेसिव इन रिलीजन, अपने दीन में जास्ती आउट ऑफ द बाउंड्री मत जाओ, बाउंड्री में रहो। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ हलाल है, फ्यू चीज़ जो हराम है उसका जिक्र है, बाकी चीज़ हलाल है। मिसाल के तौर पे लग्जरी, कुछ चीज़ें हराम है खाने के लिए, सुअर का गोश्त, शराब, नशे वाली चीज़, जहरीली चीज़, बाकी सब हलाल है। चॉकलेट पसंद चॉकलेट खाओ, आपके लिए लग्जरी है, टॉब्लरॉन खाओ, फेरो रोशे खाओ, जो खाने के खाओ, कैडबरी खाओ, आपको नहीं पसंद मत खाओ, दूसरी कुछ चीज खाओ, बट देखिए कि हराम नहीं है। लोग बोलते इस्लाम में बहुत ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत कम है, कुछ चीज नहीं है, बाकी सब हलाल है, लग्जरी। सो सिस्टर, आपको देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने किस तरह की जिंदगी अपनी जी, लेकिन आप इतना दुनियादारी मत करो कि पैसे इकट्ठा करते रहो। तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह तौबा में सूरह नंबर 9, सूरह नंबर 9 में आयत नंबर 34 में, लोगों से कहो कि ढेर सारे सोना मत इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करो और चैरिटी मत दो। ऐसे लोग जो इकट्ठा कर रहे दौलत और चैरिटी नहीं दे रहे, खैरात नहीं कर रहे, अल्लाह ताला आखिरत में जहन्नम की आग से वो सोने से आपको चटके दिलाएगा आपके सिर पे, आपके पीठ पे, और कहेगा ये सोना जमा किए, अभी इसका मजा चखो। तो इतना मत मटेरियलिज्म में जाओ कि अल्लाह की बातें भूल जाओ। देर शुड बी स्ट्राइकिंग बैलेंस। अल्लाह ताला फरमाते ये दीन उम्मत वस्त है, इट्स अ मिडिल मोस्ट उम्मा, तो उसका तस्किरा उसके ऊपर लेक्चर दे सकते कई चीज, बट जो चीज़ हराम है उसको छोड़ के आपको इजाज़त है, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं।